इस हवेली में जो जिन रहते हैं उनका नाम अहमद है, ऐसा ही है शाकिर भाई? जी बिल्कुल। आप बताइएगा ये अहमद भाई की क्या तफसील है? अहमद भाई का सिलसिला कुछ इस तरह है कि बहन का एक बड़ा रूम है, तो उसमें अक्सर बेशतर कोई चीज़ अगर गुम हो जाती है ना, तो वो बहन पहले बीच में पहले परेशान होती थी कि यार कहाँ चली गई, मिलती नहीं थी। तो एक दो दफ़ा उनको फील हुआ ना कि कोई चीज़ ऐसी है इस कमरे के अंदर ना। अच्छा। तो वो उनके एक कमरे में तीन चार गेट खुलते हैं, उनकी अहमद की पूरी फैमिली उसके बराबर वाले कमरे में रहती है। अहमद की पूरी फैमिली रहती है उस कमरे में ना। तो अहमद जो है उसका गुजर उस कमरे में, बहन वाले कमरे में आना जाना उसका रहता है। अच्छा। तो ऐसे उन्होंने कहा कि देखो, एक दफ़ा उन्होंने मजाक में से बोल दिया कि अहमद ये सामान जो चीज़ गुम हो गई ना, ये आप वहाँ पर रख दो उसको ना, क्योंकि कमरे में कोई आया ही नहीं है उस वहाँ पर, तो कैसे जा सकती चीज़ें, अभी थोड़ी देर पहले मैं रख के गई हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि अहमद मैं जा रही हूँ और थोड़ी देर में आऊँगी, तो ये यहाँ पर होना चाहिए। तो वाकई में उन्होंने तो स्टार्ट में ऐसे ही बोल दिया था उन्होंने ना, मगर जब दोबारा घूम कर आई कुछ टाइम बाद तो देखा तो वाकई में वो चीज़ वहाँ पर उनको मिल गई। फिर अहमद, उसके अहमद जिजाब जिन है बेसिकली। जी जी है, जिन है हाँ। तो इनको ये नाम कैसे पता चला कि अहमद नाम है इनका? ये असल में मेरी एक मेहमानी है, उनके कमरे में उनको अक्सर पूरी फैमिली नज़र आती है। अच्छा। हाँ, उसके बच्चे हैं और वो खुद पूरी फैमिली उस कमरे में रहती है। अच्छा, उनको डिस्टर्ब नहीं करती वो, अक्सर उनको नज़र आ जाती है कि यार ये बैठे हुए हैं कुछ कर रहे हैं, या कभी वो कमरे में थी तो अब कौन कमरे में कोई नज़र आ रहा है उनको, तो बच्चों को नज़र आया था इत्तेफाक से ना इस तरह। तो अच्छा, हवेली बहुत बड़ी, उसमें कोई 20-25 कमरे हैं उसके अंदर, क्योंकि तीन फ्लोर बने हुए उसके अंदर, 25 कमरे हैं उसके अंदर। 20-25 कमरे बता हाँ। रहे तो, और ये बता रहे हैं कि फैमिली है जिन्नातों की जिनको ये जानते हैं, उनसे बातचीत है और वो रहते हैं, इसीलिए छोड़ी हुई ऊपर की जगह आपने? हाँ, ऊपर की जगह तो वो असल में ऊपर में नाना के दूसरे भाई थे, वो उनकी फैमिली रहती थी ना वहाँ पर, तो अभी 2-3 साल से वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो अब वहाँ पर ज़्यादा बसेरा उनका और हो गया ना। यानी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अभी लास्ट टाइम एक हफ्ते पहले 15 दिन पहले की बात है कि भांजा आया, तो बहन ने कहा कि ना ऊपर ना केबल टीवी की केबल सही नहीं हो रही, तो आप जाकर ऊपर कर लो। तो वो नमाज़ पढ़ के आया था, वजू में भी था, मगर साथ में घर का एक नौकर है, उसका नाम रोहन नाम है, तो वो उसको भी साथ ले गए ना। तो कह रहे जैसे वो ऊपर जब गए ना वहाँ पर सही करने के लिए केबल को, तो दरवाज़े बजने की शुरू हो गया ना, कि वो कह रहे कि वो क्यों आ गए, यानी कि वो जो बंदा था ना दूसरा जो रोहन था, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम था ना, कि हो सकता है वो पाक साफ ना हो या उस वजह से नहीं था उसमें, तो उन्होंने दरवाजे पीटना शुरू कर दिए। अच्छा, रोहन नाम मुस्लिम भी नहीं है ना? हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से क्या उनको समझ भाई जी ये प्रॉब्लम है कि गैर मुस्लिम कोई ना आए, गैर मजहब का कोई ना आए, ये मसला है? हो सकता है कि वो नहीं चाहते हो कि यहाँ पे कोई गैर मुस्लिम आए या कोई नापाक आए, नापाक उसके है ना, उसके असल नापाक की वजह से। ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से जो है वो डिस्टर्ब करते हो, उनको नहीं आने देते हो। लेकिन यार एक बात है कि अहमद नाम है जिन का और उनकी पूरी फैमिली आबाद है जिनसे ये लोग इंटरेक्ट होते हैं, और ऊपर का जो उसमें कितने कमरे हैं शाकिर भाई? ऊपर 1, 2, 3, 4, 7-8 कमरे ऊपर है ना, और वो खाली है सारे? वो सारे खाली है बिल्कुल, वही रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। अब वो कब असल में एक दो सीढ़ियाँ हैं पुरानी बनी हुई ना, उसके इस्तेमाल में अब नहीं है ना काफ़ी साल से। अच्छा। तो एक बंदा है जो रेड कपड़े में नज़र आता है, उसके हाथ में एक डंडा होता है, चेहरा उसका नज़र नहीं आता, हमारे बिलर रहता है उसका चेहरा ना, अगर दिखना चाहे ना तो चेहरा नज़र नहीं आता उसका ना, तो वो अक्सर दो दफ़ा नज़र आ चुका है, एक अभी कुछ टाइम पहले नज़र आया बच्चों को, और एक दफ़ा मेरे मामू को नज़र आया था, वो समझे शायद कोई चोर है पहले उस वक्त। तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पूरे घर को घेरा भी दे लिया, पूरा ढूंढा करा, मगर कोई मिला ही नहीं, तो वो हैरान थे कि यार गया कहाँ, कहीं मेरे निकलने की जगह भी नहीं है, तो गया कहाँ? पहले बेटा था वो किचन में कुछ कर रहा था, तो बाहर निकला, जीना दिख रहा था उसको, तो उसको लगा कि कोई खड़ा है, शायद चोर वोर खड़ा, वो अंदर गया रूम में टार्च लेकर आया, उसने टार्च मारी,
बिल्कुल क्लियर देख रहा, वो टार्च मारते मारते रोने लग गया, रोते रोते अंदर आया, अपने पापा के चिपक गया, आवाज़ भी नहीं निकल रही, वो बस सिर्फ रो रहा। इतने में मेरी बेटी की चीखने की आवाज़ आई, फिर हम भागे कि क्या हुआ, तो वो भी रो रही और वो भी मेरे को उसने यूँ चपक कर लिया और पूरा नेल्स गाड़ दिए और कहने लगी पापा को ये कोई है कोई है। फिर मेरा भतीजा और वो आमिर ना दोनों जीने पे भागे कि हो सकता है कोई चोर हो, कोई भी नहीं था। फिर यही था कि भतीजे ने बोला कि सफाई वफाई करा दो, है कुछ, उन्होंने मुझे अकेले में बोला यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे सफाई करा दो जीने की। तो हम नीचे आए, फिर हमने इनसे पूछा बच्चों से, जो ईमान ने बताया कि लाल फेस था, वाइट कपड़े पहने थे और डंडा था उसके हाथ में, और ईमान को तो वो उतरते हुए नज़र आए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी के, और अरमान ने बोला वही वाइट कपड़े हैं, रेड मुँह है, डंडा, डंडा दो तीन दफ़ा पहले भी भतीजी को दिखाया, वो डंडा ज़रूर दिखा। मगर अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले वही चीज़ वो दोबारा नजर आई उनको, तो फिर इनका एहसास हुआ कि वाकई में यार ये कोई चोरों नहीं था, ये मसला कुछ और ही है यहाँ पे सिलसिला। हाँ, तो अब जो है अक्सर चलने की आवाज़ आती है नीचे के फ्लोर पे ना, क्रिकेट खेलने की आवाज़ आती है कि कोई खेल रहे हैं, दम दम की आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ रही है। जब ये हवेली ली थी तो भाई बता रहे थे कि ऊपर के जो समर हाउस है उनका बना हुआ है वहाँ पे उसकी गैलरी है, तो एक बुजुर्ग ने कहा था कि यहाँ पे कोई चीज़ है। हाँ, उन्होंने बताया था बाकायदा ना कि यहाँ पे कोई चीज़ रहती है वहाँ पे। अच्छा, तो वो अचानक नुकसान तो अभी कोई नहीं पहुँचाता उसके अंदर, मगर अक्सर सीढ़ियों पे और ऊपर इससे भी नज़र आते रहते हैं ना, ये चीज़ें नज़र आती रहती हैं उनको ना, तो कहीं परेशान नहीं करता। मामूल है ये, अक्सर बेशतर चीज़ें होती रहती है वहाँ पे। बेसिकली आपके नाना की हवेली है। मेरे नाना की हवेली बहुत पुरानी हवेली है ना, नीचे आपके ननियाल रहता है। अब एक फैमिली रहती है नीचे ना, हाँ, ऊपर कैसा खाली पड़ा बिल्कुल, वो अलग चीज़ है, वो पता नहीं क्या चीज़ है ना, वो अहमद नहीं है, वो अहमद नहीं है, अहमद अलग चीज़, अहमद का असल में एक दो जिन नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पे ना, जो ऊपर के से वो अलग चीज़ है, जो सीढ़ियों पर जाती है वो अलग चीज़ है, जो बहन के कमरे में वो अलग चीज़ है, तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें सारे इसके अंदर आती हैं। बल्कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे नाना का भी इंतकाल हुआ है, एक दो साल पहले, तो नाना की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो उनको आखिरी वक्तों में ना उनको अक्सर जब इतने ऐसे भी थे कि बातें करते थे सब समझते थे, मगर तबीयत सही नहीं थी उनकी बाहर, तो वो बता देते कि सामने, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी जा रहे हैं ना हम लोग, मैं आपको जगह दिखाऊंगा, तो बोलते थे कि सामने देखो सरकड़ा बैठा हुआ है, तो हम नाना का मजाक उड़ाते थे कि नाना यार आप मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा, वो इतने सीरियस होते थे ना, एक बुज़ुर्ग आदमी है उनका, अच्छा ये नहीं कि हमसे कोई मेहमान भी आगे बैठा होता था, तो वो शाम के वक्त मगरिब के वक्त ना अक्सर तो सहन में बैठते थे ना चरपाई पे, तो वो कहते थे कि देखो यार जाओ उसको ना चाय दे कर आओ, घर वालों को डांटते थे। अच्छा, घर वाले कहते अब्बा कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप किसको बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं सामने सकटा बैठा हुआ वहाँ पे, देखो वो जो यहाँ से यूँ जा रहा है, वो यूँ आ रहा है, यहाँ बैठ गया, अभी करीब आ गया मेरे, आप तो देख ही नहीं उसको, चाय कोई कोई चीज़ खाना है, कोई भी चीज़ टाइम ना, अक्सर उनको नज़र आते थे ना, तो हम शुरू में तो पहले मजाक उड़ाते थे कि ये शायद तबीयत की वजह से या उसमें वो कर रहे हैं, मगर वो अक्सर बोलते थे वो, तो बाद में रियलाइज हो कि नहीं यार कोई चीज़ होगी जो उनको नज़र आती थी, जो उन्हीं को नज़र आती थी खाली ना, क्योंकि बंदा चलो बच्चों से मजाक कर लेगा, कोई बड़े घर में कोई बुजुर्ग आ रहे हैं, खानदान के दूसरे लोग आ रहे हैं, तो वो उनको ही बताते थे कि देखो ये सामने बैठे हुए, एक इधर बैठा हुआ है, एक वहाँ बैठा हुआ है और यहाँ बैठा हुआ है। ज़्यादा बात करते हैं घर वाले तो फिर वो परेशान करना शुरू कर देते हैं कि आप हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं लोगों के अंदर ना उसके अंदर। जैसे हमारा तजर्बा तो ये रहा है कि जहाँ हम गए हैं अल्लाह का शुक्र ये रहा है कि वो चीज़ों ने परेशान नहीं किया, बल्कि उन लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हुई, कम हुई। इसी नीयत से जा रहे हैं कि हमारी भी मुलाकात हो जाए अहमद भाई से, जितनी और मखलूकात हैं वहाँ। सही सही। और ना उनको हमने पकड़ना है, ना कैद करना है, ना निकालना है, ऐसी कोई नीयत नहीं है, हम तो उनसे मिलने जा रहे हैं। सही सही। तो कोशिश होगी समझता है कुछ लेके भी चले उनके लिए साथ, जैसे नाना साहब कहते थे हाँ चाय मीठा
ले चले मिठाई वगैरह? मिठाई ले चले, हम भी खाएंगे उनको भी खिलाएंगे। हाँ कहते हैं मीठा था, उनका साथ देंगे तो हमें कुछ नहीं कहेंगे ना। जनाब अली ये बातें कहते हैं सुनने में बड़ा आसान लगता है, मज़ा भी आता है, लेकिन जिन पे गुजरती है वो बेहतर जानते हैं कि एक ऐसी फैमिली जिसके साथ जन्नात रहते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ समझ भाई, आपको याद होगा हम हैदराबाद से आगे गाँव में गए थे जहाँ उन्होंने एक हवेली का बड़ा हिस्सा खाली छोड़ा हुआ था जिन्नात के लिए, उनको मुख्तस किया हुआ था, उनको वक्फ कर दिया था कि जी ये जिन्नात की जगह है, ये हमारी जगह है, वो इधर नहीं आते हम उधर नहीं आते। ऐसी एक और हवेली भी गुजरी है जहाँ जिन्नात से एक दूसरे को ख़त भेजा करते, वो ख़त लिख के दरवाजे के नीचे डाल देते, वहाँ से जिन्नात का जवाब आ जाता उस ख़त के ज़रिए। ये भी वाक़यात रहे हैं। अच्छा, हमारे इंटीरियर में और अंदरून पंजाब में भी सिंध में भी हवेलियाँ जो हैं पुरानी अंग्रेज़ों के दौर की, वो कई बाकियात हैं उनकी, उनमें आज भी कुछ लोग तो हैं जो आबाद रखा हुआ है, लेकिन शायद ही कोई ऐसी हवेली हो जो पूरी तरह आबाद हो। समझ भाई वहम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक जने को थोड़ी, यहाँ तो हम इतने साल से रह रहे हैं तो हमें खुद को भी वाजे होते हैं, हम खुद भी डर जाते हैं मगर क्या इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि रहना तो हमें यहीं पर ही, इसलिए हम उनको ये बोलते हैं हम आपको तंग नहीं कर रहे, आप हमें तंग ना करो, इसलिए हम ज़्यादा ऊपर आते जाते भी नहीं हैं, मगर कभी बारिश होती है कभी कोई मसला हो जाता है तो ये है कि इसलिए चले जाते हैं, वरना हम नहीं जाते आते। आपने कभी कुछ देखा? मेरी शादी हुई थी तो मैंने शादी के बाद देखा कि मेरी बेटी थी, बेटा नहीं था, तब इसी रूम में ना परवाने आते थे, एक टाइम होता था मगरिब के बाद थे, इतने परवाने आते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, और वो सिर्फ इस रूम में आते थे, इस रूम से फिर बाहर जाते थे, बाहर से सिर्फ गायब। हमने पूरा घर चेक कर लिया कि कहाँ से आ रहे, इवन के बाहर जाके भी देख लिया कि कहीं शायद हो लो जिसने खिड़की हो कुछ कि कहीं से आ रहे, नहीं वो मेरे ख्याल से 3 महीने तक 4 महीने तक ऐसे हर जुमेरात के दिन आते थे। अल्लाह, और इतने आते थे कि आप क्लीन वो क्या कहते हैं वैक्यूम क्लीनर करते थे आप, तो इतने जमा हो जाते थे कि मैं बता नहीं सकती, और किसी और के रूम में नहीं जाते थे, सिर्फ इस रूम से उस रूम में उस रूम से बाहर। आपको अच्छी तरह याद है जुमेरात का दिन होता था? जुमेरात का दिन ही होता था, वो हम नोट करते थे कि अभी इस जुमेरात में आए, तो हम पहले से वो हो जाते थे कि अब जुमेरात आ रही है तो वो आएंगे, और वो आते थे। फिर हमने किसी को बुलाया बुजुर्ग को ना, तो उन्होंने दहलीज को नापा। अच्छा, उन्होंने नापा, उन्होंने बोला हाँ कुछ है यहाँ पे, फिर उन्होंने कुछ पढ़त वढ़त की, फिर उन्होंने कुछ पढ़ा, उसके बाद फिर नापा, तो ये कि उनके हिसाब होता होगा वो थोड़ी सी दहलीज कम आई। अच्छा, उनका कोई हिसाब था, तो उस दिन के बाद से नहीं आए फिर। अच्छा, अगर एक इंसानी सोच के मुताबिक गौर करें तो ये तो बारिश जब होती है तब परवाने आते हैं ना, बारिश जी, के जी, बाद जी, जी। जहाँ रोशनी होती है वहाँ जाते हैं, शम्मा परवाना, तो कहीं बारिश तो नहीं होती? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो बारिश में तो एक आ जाए, दो आ जाए, है ना, आने की, वो तो इतने होते थे कि जैसे टिड्डी दल के अंदर नहीं आते पूरा हॉल, वो कंडीशन होती थी कि कुछ नजर नहीं आता था, हर चीज ब्लैक हो जाती थी। और जुमेरात का दिन बस वही, और एक टाइम पीरियड होता था मगरिब के बाद, फिर उसके बाद घंटे दो घंटे में वो खत्म। हालांकि ये दरवाजा खुला हुआ, इस तरफ नहीं जाते थे, ये वॉशरूम स्टोर का एरिया सिर्फ कमरों के अंदर महदूद, और आने की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, हमने सारी जगहें देखी कि कहीं शायद होल हो जहाँ से आ रहे हैं कोई मसला, मगर ना इधर भी नहीं थे और बाहर भी कहीं नहीं थे कि बाहर पीछे की साइड कोई हो एक दो नजर आ जाए। विजिट करवाएंगे आपको जी, कि जिस कमरे में पूरी फैमिली रहती है जी, और जिस कमरे में से वो जो उसमें ऐसा है कि उस वो दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया, जो बड़ी बहन का कमरा है ना, वो एक छोटा कमरा है उसमें पूरी फैमिली रहती है सही, तो उसका एक दरवाज़ा बड़े कमरे में खुलता है। अच्छा, तो वो उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, वहाँ पे असर कोई आप बिस्तर लगा कोई लेट जाते हैं सो जाते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम करता है ना उनको ना, और या अगर वहाँ पे कोई आप गंदगी कर देंगे ना, तो फिर वो इंडिकेशन कर देता है कि आप ये यहाँ पे गंदगी हुई है, तो आप इसको ये खत्म करें, साफ करें ना उसको ना। यार मेरे स्कूल का दोस्त है अदनान वाहिद, वो एक दिन आया स्कूल में ना, तो उसके समझ में यहाँ निशान था पूरे मुंह पे ना, इधर मारता, तो मैंने कहा क्या वो सुबह सुबह मार खाई है? कहते हैं नहीं यार, मैं फजर के लिए उठा और जहाँ मैं उठा रहे थे मैं उठा नहीं, तो मैं उठ के ना अपनी खिड़की के पास आके सो गया, खिड़की के पास जहाँ मैं कभी सोता नहीं था वहाँ सो गया, तो मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा गाल पे, मैं रो पड़ा, तो मुझे मेरी बड़ों ने बताया कि इस जगह पे वो नमाज पढ़ते हैं और तुम जो हो ना यहाँ आके सो गए, पता नहीं तुम पाक थे नहीं थे, वजू में थे नहीं थे, तो ये हुआ है स्कूल में ना कि उनकी जगह उनकी राहदारी होती है, उसको आप क्रॉस नहीं करें या उसको ना डिस्टर्ब करें तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, बस टाइम नहीं है,
आप नोट करें, आज के दौर में वक्त की ज़रा बड़ी किल्लत है, इस हालात में अगर कोई आधा एक घंटा निकालता है हमारे लिए, तो हम चाह रही हैं कुछ समझे सीखे, हम कुछ समझे सीखे। तो इसीलिए शाकिर भाई आपने यूँ कहा और हमने कहा जी बिस्मिल्लाह देखी जाएगी। हालांकि समद भाई और मैं तो प्लान बना रहे थे कि भागना कहाँ से है वहाँ से। हालांकि पहले हमने जब पहले पूछा था तो वो मना कर रहे थे, फिर दोबारा कहा गया क्योंकि वो डर रहे थे कि कैसा ना कि कोई प्रॉब्लम हो जाए ये चीज़ आपको बुलाने करने में, मगर जैसे समझाया करा तो फिर उन्होंने कहा फिर कहा कि नहीं आ जाएगा, मसला नहीं ना, क्योंकि वो बताया था ना मेरे जिस तरह उसके मुताबिक जिक्र करते हैं, बताते हैं यार ये चीज़ हमारे आ रही है, वो करते हैं तो पत्थर आना शुरू हो जाते हैं या कुछ चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि ये मसले मसाइल आने चाहिए, वो अपने आप को जाहिर करना शुरू कर देते हैं फिर ना, तो बच्चे डर जाते हैं उनसे अक्सर और बेशतर। हमारी कोशिश होगी कि वो खुदा ना खासा किसी को नुकसान तकलीफ ना पहुँचे, और जहाँ हमें भी लगेगा कि हद पार हो रही है तो हम ही रुक जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, यही किया हमने आज तक से। तो आप दोबारा हो गया है, कार्ड में शुरू किया था ये काम, तो उस टाइम तो बड़ा क्रेज़ था कि रात को 3 बजे अगर हमें कॉल होती थी कि जी 3 बजे कब्रिस्तान में बैठना है, तो हम जाके बैठ जाते थे बगैर सोचे समझे कि हो सकता है कि हमारे साथ कुछ गलत भी हो या सही भी हो। लेकिन भाई की फैमिली नहीं है, कोई और भी वहाँ पे मखलूकात हैं और एक से ज़ायद हैं, क्योंकि इतनी पुरानी है ना यार वो हवेली, इतनी कदीम है, और फिर इन्होंने खाली भी छोड़ दिया उसको बिल्कुल ऊपर। तो होता है एक चीज़ और भी है ना, हाँ, कि पहले का जो दौर था पहले थी पॉपुलेशन कम, तो जगह जगह वीरानियत होती थी, तो इन लोगों को बड़ा स्पेस मिल जाता था जिन्नात को और दूसरी जो मखलूकात हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वो स्ट्रिक्स होते जा रहे हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा पुराने वो कहते हैं कि अब जैसे हम लोगों पर डिपेंड करता है कि यार नहीं पुराने बाप दादा का घर है हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं, तो वो लोग भी वहाँ रुके हुए होते हैं, फिर उनकी भी यही कोशिश होती है कि जी वो हमें परेशान ना करें हम उन्हें परेशान ना करें। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो एक दूसरे में क्लैशेस होते हैं, तो अब देखें साथ के साथ मुख्तस कर दी हैं। बात वही है यार कि जन्नात हमारे पास नहीं आ रहे, हम उनकी जगहों पर जा रहे हैं आबादी को बढ़ाने के चक्कर में, और इसका एक तरीक़ेकार होता है ना, कोई नई जगह को आबाद करना है आपने, यार कुरान खानी तो हम भी कराते हैं, किराए पर शिफ्ट होते हैं कराते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, सदका देते हैं, कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं तो कॉलम्स के अंदर सदके देते हैं, गैर मज़हब ये करते हैं, मैंने खुद देखा है, मैं बार बार बताता हूँ ये गैर मज़हब जो को मैंने देखा है, फाउंडेशन डल रही है, कॉलम कर रहे हैं और वो अंदर बकरों का खून जो है ना उसमें ज़िबा कर रहे हैं, क्योंकि बलाएँ टलती हैं। अब ये बलाएँ कौन सी बलाएँ हैं, यही तरीक़ेकार हैं जो इंसान को बचा लेती हैं बहुत सी चीज़ों से। समद भाई सक्खर हवेली लोग नहीं भूलते, नूरानी लोग नहीं भूलते, ये वो ऐसे काम हैं जो हम कर नहीं सकते थे, हमसे करवा दिए गए, और वहाँ जा के वापसी मुमकिन नहीं थी लेकिन दुआओं से करम से हो गई। यही कोशिश है जी कि आपको मज़ा आए, चाहे हमें कहीं जाना पड़े, तो ऐसी एक चीज़ स्टोरी वाक्य आया हमने कहा आपसे शेयर करें, रास्ता भी ज़रा गुजर जाएगा, सफ़र का भी पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह, और डे लाइट में पहुँच जाएँ हम, 4 बज रहे हैं इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, तो यहाँ 6:30 बजे जी अंधेरा हो रहा है कराची में, इस महीने के अंदर तो कोशिश है कि उससे पहले पहले पहुँचें, क्योंकि हमें शहर से भी अंदर जाना है काफ़ी।